हूँ क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ेंगे हम फायर सेफ्टी एक्ट, क्योंकि फायर बहुत केसेस हुए हैं अभी, केसेस अभी है, फिर महाराष्ट्र में हुए हैं, गुजरात में हुए हैं, तो बहुत जगह केसेस हुए हैं। हम फायर सेफ्टी एक्ट पढ़ेंगे, कॉजेज़ क्या हैं उसके, आपको प्रिवेंटिव मेज़र क्या लेने चाहिए। फिर हम एनजीटी के बारे में पढ़ेंगे, एनजीटी के बारे में, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम जाएंगे अपना लैंडमार्क जजमेंट क्या, एनजीटी के लैंडमार्क कुछ पास्ट में और भी थे पर कुछ रिसेंटली क्या लिए गए 17 में। जैसे आपको मैं बता दूं, दिल्ली एनसीआर में 10 ईयर ओल्ड व्हीकल को बैन कर दिया गया। फिर जो उत्तराखंड में बाढ़ आई थी, अलकनंदा हाइड्रो को जो बना रहे थे उसको मतलब कि बंद कर दिया गया। फिर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, क्या उसके मतलब की गवर्नमेंट स्ट्रेटेजी क्या है कर्व करने की, और उसके बाद डेवलपमेंट टू लेफ्ट विंग एक्सट्रीम अफेक्टेड एरिया में क्या डेवलपमेंट गवर्नमेंट कर रही है। फिर डिफरेंट बिटवीन जीएसएलवी पीएसएलवी को क्या, साइंस का दिन है और साइंस एडिट पूरा साइंस के ऊपर आता है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे पीएसएलवी जीएसएलवी के बारे में। और फिर दूसरी चीज़ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में हम पढ़ेंगे, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। और फिर न्यू आईटी रूल 2021 जो अभी ओटीटी प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया के लिए न्यू आईटी रूल्स आए हैं, मैंने बताया था कि जैसे न्यूज़ में आते रहेंगे हम इसके बारे में पढ़ते रहेंगे, इसके बारे में हम पढ़ते रहेंगे, ठीक है ना। तो ये कुछ रूल्स पढ़ेंगे, और नीचे हम क्या पढ़ेंगे, नीचे जाके बहुत लंबे हो गए रूल्स ही रूल्स है। फिर कुछ नहीं, बस लास्ट हम आईटी रूल ही पढ़ेंगे। फिर इसमें आईपीआर और पढ़ेंगे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पढ़ेंगे, क्योंकि यार ट्रिप्स के ऊपर कुछ आई है न्यूज़ ट्रिप्स के ऊपर, तो हम आ जाते हैं अपने हिंदू के ऊपर। फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूज़ आती है कि केसेस दोबारा इंक्रीज होने लगे हैं, जैसे इसमें लिखा है कि केसेस अभी रिपोर्टेड हुए हैं 8,000 केसेस रिसेंटली महाराष्ट्र में, फिर रिपोर्टेड हुए हैं कल की तारीख में 8,333 न्यू केसेस। तो इससे क्या सिग्नल मिल रहा है कि केसेस शुड बी इंक्रीजिंग कंटिन्यूसली, तो फिर से दोबारा लॉकडाउन लगने की संभावना हो सकती है अगर केसेस ऐसे ही बढ़ते रहे। और फिर गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है कि जो आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में डोज लगवाने जाते हैं तो वो 250 रुपीज़ की लगेगी, 250 रुपीज़ पर डोज, वो 500 800 1,000 की नहीं, 250 रुपीज़। तो आप प्लीज़ ये ध्यान रखें कि 250 रुपीज़ की एक डोज दी जाएगी। तो ये न्यूज़ आती है। फिर इसमें एक न्यूज़ आती है कि मतलब कि ड्रीम फेडेड ऑफ किड्स ऑफ माइग्रेंट ड्यू टू पेंडेमिक सिचुएशन। आपको पता है इतने बड़ा क्राइसिस आया, अब प्रॉब्लम क्या आई, सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम हुई जो माइग्रेटिंग किड्स थे ना, जैसे कोई दिल्ली में रहता था बिहार का और दिल्ली के ही किसी गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे उसके पढ़ते थे, अब वो माइग्रेटिंग होके बिहार चला गया, एक तो स्कूल छोड़ दिया उसने दिल्ली का और ऊपर से माइग्रेट हो गया यहाँ से बिहार चला गया, और या फिर यूपी कहीं भी चला गया जहाँ का माइग्रेटिंग वर्क था उसके भी आते, उसे बच्चों की जो एजुकेशन है सबसे ज़्यादा इफेक्ट उनके ऊपर आया, स्कूल ड्रॉप आउट। मैंने आपको रिपोर्ट भी पढ़ाई थी, जो रिपोर्ट आपकी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की आई थी उसमें नियर अबाउट 300 मिलियन स्टूडेंट्स ने स्कूल छोड़ दिया। तो पहले तो हो गए माइग्रेटिंग चिल्ड्रन, फिर माइग्रेटिंग वर्कर्स भी हो गए, दूसरे हो गए आपकी जो मतलब कि ये रेड लाइट एरिया में मतलब वाले उनको बहुत प्रॉब्लम आई है। फिर आपको ट्रांसजेंडर के लिए बहुत प्रॉब्लम आई है कि उनका काम, उनके पास कोई पर्टिकुलर वर्क नहीं होता, तो ये सारी प्रॉब्लम कंडीशन फेस की गई है, ठीक है ना। और फिर मतलब कि लो इनकम लेवल जो स्टूडेंट्स होते थे उनके पास वो गैजेटेड नहीं थे, मतलब वो गैजेट नहीं थे ऑनलाइन एजुकेशन के लिए। और फिर आपको स्पेशली कैटेगरी एजुकेशन में भी उसमें भी स्पेशली गर्ल्स जो स्टूडेंट थी उनके लिए आई है प्रॉब्लम, उससे क्या होगा अब वो गर्ल्स घर में रहना उन्होंने स्टार्ट कर दिया है, तो वो माइंडसेट चेंज हो गया उनके घर वालों का, उनसे अब शादी कर दो इनकी, जो लो लेवल इनकम उन्होंने शादी कर दी है, तो उससे क्या हो गया चाइल्ड मैरिज जो था वो अर्ली चाइल्ड मैरिज वो फिर से इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये सारी प्रॉब्लम्स पेंडेमिक से बच्चों के ऊपर आई हैं, कुछ स्पेशल सेक्स की कम्युनिटी के ऊपर आई, ट्रांसजेंडर हो गई, फिर आपके वो रेड लाइट एरिया वाले जो, तो उनके लिए प्रॉब्लम आई है, तो उन सब के लिए प्रॉब्लम आई है। आप मेंशन कर सकते हो 5 6 6 7 पॉइंट मैंने बता दिए, हार्डली 150 वर्ड का लिखने के लिए आएगा, तो आप आराम से मेंशन कर सकते हो। इसमें जो बात की गई इस पूरे आर्टिकल में, इनकी माइग्रेटिंग जो वर्कर के बच्चे थे इनकी बात की गई है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट न्यूज आती लेबर डाई इन वेयर हाउसेस फायर। अभी आप कितनी जगह देखते हैं फायर लग गई, फिर गुजरात में आपने इंसिडेंट देखा छत पे से बच्चे कूद रहे थे, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में आग लग गई थी। तो ये फायर सेफ्टी के लिए हम क्या क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट क्या करना चाहिए, ये मेंस के लिए लिखने के लिए आएगा, पर मैं आपको मोटा मोटा आपको मैं बता देता हूँ जो आप थोड़ा बहुत दिमाग में रहे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है, मैंने आपको पढ़ाया था नेशनल क्राइम ब्यूरो किसके अंडर आता है, ये आता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर आता है। मेरी वॉइस क्लियर है ना सबको,
हेलो, कुछ तो बोल दिया करो यार। सुष्मिता, वॉइस क्लियर है ना मेरी? आ रही है आपकी आवाज? आ रही है, ठीक हाँ है। तो ये क्लियर। ऐसा क्या बोलता है कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर आता है, ये बोलता है कि 1700 इंडियन डाइम हर साल मारे जाते हैं, मतलब कि, और 48 पीपल एवरी डे डाई होते हैं बिकॉज ऑफ दिस फायर। तो आप कितना बड़ा इश्यू रेशियो, आपको पता भी नहीं लगता कि 48 आदमी हर डेली इससे डाय होते हैं बिकॉज ऑफ फायर। ठीक है ना, 62% इसमें वर वुमेन, 62% वुमेन्स होती हैं। अब पता नहीं वुमेन घर में काम करती हैं, आग लग जाती है, अब तक वो ट्रेडिशनल टाइप के चूल्हा वर्किंग है उस तरीके से। जो ज़्यादा सबसे ज़्यादा इंसिडेंट्स होते हैं वो महाराष्ट्र और गुजरात में होते हैं, ऐसा मैं नहीं बोल रहा, ऐसे NCRB की रिपोर्ट बोल रही है। ठीक है ना, डायरेक्ट कोरिलेशन बिटवीन द डेथ ड्यू टू फायर एंड एक्सीडेंट पॉपुलेशन डेंसिटी एसोसिएशन विद अर्बनाइजेशन। जो कोरिलेशन है, जहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा होगी, भीड़ भाड़, दिल्ली की डेंसिटी ज़्यादा है तो दिल्ली में आए दिन इंसिडेंट्स होते रहते हैं कि फायर के, कि वहाँ पर ज़्यादा इंसिडेंट्स है, मतलब डेंसिटी है, पब्लिक ज़्यादा रहती है, ये सब एक रीज़न है। अब एक इन्होंने इंडिया रिक्स सर्वे कराया, तो मतलब इंडिया को रिक्स किस किस चीज़ों से है। तो थर्ड नंबर पे क्या आता है आपका? फायर इंसिडेंट्स आते हैं तीसरे नंबर पे। ठीक है, इन नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न रीजन इन इंडिया, इन नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न रीजन इन इंडिया। तो फायर भी एक सबसे बड़ा एक बिग इशू है। कॉजेस क्या हो सकते हैं? हम जो वॉयलेशन करते हैं, जो सेफ्टी नॉर्म्स निकालते हैं ना कि घर में ये बनाना चाहिए, एग्जिट अच्छा होना चाहिए, फायर सेफ्टी इक्विपमेंट्स होने चाहिए, वो सेफ्टी नॉर्म्स को हम क्या करते हैं? वॉयलेशन करते हैं, लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं, और रेगुलेशन जो बताते हैं उसको हम कम रखते हैं, क्योंकि पैसा बच जाएगा। फायर सेफ्टी एक्सीडेंट के लिए मेजर कॉज क्या है कि कंस्ट्रक्शन फॉल तरीके से कर लेते हैं, कॉमर्शियल बिल्डिंग को या मल्टीपैक्स को ज़्यादा रखते नहीं उसमें, मतलब कि आपको क्या होगा, टू वे बनाने पड़ेंगे एग्जिट के लिए भी, एक स्पेशल इमरजेंसी एग्जिट बनाना पड़ेगा, उसके लिए कंस्ट्रक्शन जीना बनाना पड़ेगा, स्टेयर्स बनानी पड़ेंगी, कुछ तो बनाना पड़ेगा ना, तो एक्स्ट्रा पैसा जाएगा। अब हम क्या करते हैं, एग्जिट के लिए और मतलब कि एंट्री के लिए एक ही पॉइंट रख देते हैं, ठीक है, इमरजेंसी एग्जिट रखते नहीं है पैसा बचाने के लिए, तो एक योग है वॉयलेशन। हाई रिस्क बिल्डिंग फॉर मोर प्रोनी फॉर फायर एक्सीडेंट, जो हाई रिस्क बिल्डिंग होती है, लैक ऑफ एडुकेट, मतलब इन बिल्ड प्रोटेक्शन नहीं बनाते, फायर प्रोटेक्शन सिस्टम ये वो सब, उसमें क्या होता है कि ना आपको कॉमर्शियल बिल्डिंग बनानी है तो वो देखा होगा आपने मॉल्स के बाहर, वो फायर के लिए बड़े बड़े पाइप लगे रहते हैं, तो उन सबको हमें लगाना पड़ता है। पुअर स्टोर गुड्स, ये नॉन फेमेबल, मतलब कि ये चीज़ें हम आराम से भर देते हैं, फायर के साथ ही सब चीज़ मिक्स कर देते हैं, तो ये सब चीज़ें हैं। अनक्लियर प्रोविजन ऑफ फायर सेफ्टी ऑडिट, फायर सेफ्टी ऑडिट नहीं होते हैं, कोई तरीका नहीं है करने का, तो यही सारी चीज़ें हैं। और ये फायर सेफ्टी है, ये म्यूनिसिपल फंक्शन के अंदर आता है, शेड्यूल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि लोकल गवर्नमेंट के अंदर आता है। फिर वो लोकल गवर्नमेंट क्या करती है, कभी करप्ट हो जाती है, पैसे लेके पास कर देते हैं जो ऑडिट करने भी जाते हैं, और फिर लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट सेफ्टी मैनेजमेंट, मतलब अरेंजमेंट के लिए लैक ऑफ अवेयरनेस भी है। तो कुछ पॉइंट आप लिख सकते हैं कि वॉयलेशन करते हैं, हाई रिस्क बिल्डिंग होती हैं उनको हम चेक नहीं करते हैं, पुअर स्टोर गुड कि जो आपकी जलनशील पदार्थ है दोनों को एक साथ रख देते हैं, अनक्लियर प्रोविजन है सेफ्टी ऑडिट के, जो लोकल म्यूनिसिपैलिटी होती है कभी वो ट्रांसपेरेंसी वर्क नहीं करती, अवेयरनेस नहीं है। ठीक है, प्रिवेंटिव मेजर क्या ले सकते हैं, वही जो ऊपर मैंने बताया उसके उल्टे ले सकते हैं, मॉडर्नाइज कर सकते हैं आपके फायर सेफ्टी इक्विपमेंट्स को, प्रॉपर डिजाइन इलेक्ट्रिकल फिटिंग जो आपके घर में होती है, वायरिंग उन्हें मेंटेन कर सकते हैं, हर साल उन्हें चेक करा सकते हैं, या फिर कमर्शियल बिल्डिंग में फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट को ऑडिट क्रिटिकली फायर प्रोनी इंस्टॉल करना, इंस्टॉलेशन करना चाहिए, ऑडिट अच्छे से करना चाहिए, प्रॉपर डिमार्केटेड मतलब एग्जिट पॉइंट होने चाहिए, मतलब बिल्डिंग के अंदर, ठीक है ना, इक्विपमेंट्स अच्छे से लगे होने चाहिए, और लास्ट में जब बिल्डिंग आपकी बन जाएगी तब तक बिल्डिंग मानी जाती है, उसे NOC नहीं मिल जाता, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो मिलता है ना कि आपकी प्रिपेयरनेस जो है फायर से कंप्लीट है, आप बिल्कुल सुरक्षित हो, तब तक नहीं मिलना चाहिए। तो ये कुछ उसके आपको प्रिवेंटिव मेज़र इसमें बताए गए हैं। मैं आपको NGT भी साथ में पढ़ा देता हूँ, क्योंकि NGT इसके जस्ट नीचे पेज में आने वाली है, ठीक है ना। उसमें क्या है कि इंडिया ने क्या किया, इंडिया NGT एक्ट 2010 था, NGT एक्ट 2010 था इस्टेब्लिश हुई थी, एक तरह से सेक्रेटरी बॉडी है, ठीक है ना, क्योंकि एक्ट से बनी है 2010 में, तो ये सेक्रेटरी बॉडी है। और उसके बाद ये इंडिया पहली कंट्री नहीं है जो NGT लेके आया, इंडिया एक थर्ड कंट्री है, इंडिया से पहले ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड है जिन्होंने NGT को डेवलप किया, और NGT कोई केस लेती है तो 6 महीने में उसे डिस्पोज करेगी, ऐसा उसमें उसके एक्ट में लिखा हुआ है कि आज उसने केस लिया तो 6 महीने के उसे फाइनल वर्डिक्ट सुनाएगी। NGT ऐसी नहीं है कि दिल्ली में इसकी प्रिंसिपल ब्रांच बैठती है और भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में इसकी आपकी और भी सिटिंग होती हैं, इन प्रिंसिपल ब्रांच दिल्ली के अंदर बैठती है इसकी मेन जो है। स्ट्रक्चर क्या है NGT का,
इसमें एक चेयरमैन होता है, चेयरमैन कौन होता है ठीक है ना, इसकी ट्रिब्यूनल जो है एनजी ट्रिब्यूनल बोलते हैं एनजीटी, इसमें चेयरमैन होता है, चेयरमैन कौन होता है, जुडिशियल मेंबर होता है या और एक्सपर्ट मेंबर होते हैं, ये सब उसके अंदर होते हैं। शैल बी होल्ड ए ऑफिस फॉर 5 ईयर नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, मतलब कि वो रीअपॉइंटमेंट नहीं होगा, एक बार वो एनजीटी का चेयरमैन बन गया, मेंबर बन गया, रीअपॉइंटमेंट नहीं किया जाएगा। तो इससे क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज होती है, वो इंडिपेंडेंट हो जाता है अपने क्या डिसीजन लेने में, उसे पता है कि अगली बार मैं अपॉइंटमेंट नहीं हूँगा, तो अपने डिसीजन वो एक तरीके से इंडिपेंडेंट लेता है, तो उससे ये चीज़ इंक्रीज होती है। चेयरमैन अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, कंसल्ट किससे करती है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से। ऐसा क्यों, क्योंकि वो क्या एक ट्रिब्यूनल है, उसके पास सिविल पावर है, तो उसके लिए हमें क्या होना चाहिए, एक जज को अपॉइंट करना है तो इसकी कंसल्टेशन लेनी है। फिर इसमें एक सिलेक्टिंग कमेटी होती है फॉर्म बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो अपॉइंट करती है जुडिशियल मेंबर और एक्सपर्ट मेंबर्स को अपॉइंट करती है। देखो चेयरमैन तो अपॉइंट हो गया इसके एनजीटी ने कंसल्ट सीजे से, अब मेंबर भी तो अपॉइंट करने हैं ना, क्योंकि कम से कम मैक्स 20 मेंबर होने चाहिए, मिनिमम 10 मेंबर होने चाहिए इसके अंदर, तो उसके मेंबर अपॉइंट करने हैं, तो उसके लिए हमने क्या किया, उसके अंदर एक सिलेक्शन कमेटी बना दी ठीक है ना सेंट्रल गवर्नमेंट ने। अब इसकी पावर क्या होती है, इतनी बड़ी बॉडी बना दी, इसकी जो पावर होती है, सारी सिविल्स पावर जो इन्वॉल्व होती है ना, लोग सिविल्स मतलब कि जो आपकी सिविल कोर्ट होती है वो एक तरह सिमिलर इसकी पावर होती है उसी टाइप से, और इस आपकी सेक्रेटरी मतलब बॉडी है लाइक कोर्ट की तरह बनी, मतलब है ये तो ठीक है ना। तो इसके बाद एपलेट जुरिडिक्शन टू हियर द अपील ऑफ द कोर्ट ऑफ द ट्रिब्यूनल, ऑल्सो है ना एपलेट जुरिडिक्शन भी सुन सकती है एक तरह से ये, और ये बाउंडेड नहीं होती, जैसे कोर्ट चलाने के लिए सिविल प्रोसीजर एक्ट लगता है 1908, क्योंकि इस प्रोसीजर जो कोड है ना, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, इससे कोर्ट काम करती है, बताता है कि कोर्ट को कैसे काम करना है, पर ये क्या काम करती है, इससे बाउंड नहीं है ट्रिब्यूनल, ये नेचुरल जस्टिस पे काम करती है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस पे। अगर उसमें लिखा है कि एनजीटी मतलब कि ले डाउन एनजीटी प्रोसीजर इज ले डाउन अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, तो गलत हो जाएगा, ये काम करती है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, जो नेचुरल होता है, जो भी जो डिसीजन पास करती है, ऑर्डर देती है, अवार्ड देती है, इट शैल बी अप्लाई ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट ठीक है ना, तो ये सब अप्लाई किए जाएंगे। अब एनजीटी बाय एन ऑर्डर कैन प्रोवाइड विक्टिम, जो होता है जो विक्टिम, जैसे मुझे प्रॉब्लम हुई पानी से, कुछ भी हुआ, मैं एनजीटी में जाऊँ कंप्लेन करूँगा, जो मेरा डैमेज हुआ है, कुछ भी हुआ है, उसके मुझे कंपेंसेशन भी दिलवाएगी ठीक है ना, और मतलब कि रिस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी डैमेज वो भी करेगी, और मतलब कि ये क्या कर सकती है, इन्वॉल्व सच एज एरिया ऑफ एरर ट्रिब्यूनल मे थिंक फिट, और फॉर द रिस्टिट्यूशन ऑफ एनवायरमेंट ऑफ सच एरिया और एरिया एज ए ट्रिब्यूनल मे फिट, तो मतलब एक तरीके से क्या है, ये क्या कर सकती है, अब कंपेंसेशन भी दिलवा सकती है, अगर इसे लगा कि ये कुछ पेनल्टी किया है, इसने कुछ गलत भी और भी गलत किया है, तो ये आपको सजा भी दिलवा सकती है, कितने साल की, 3 साल की सजा भी दे सकती है, फाइन अप टू 10 करोड़ तक का फाइन भी लगा सकती है, दोनों एक साथ भी कर सकती है, ये इसकी कुछ पावर है, स्पेशल पेनल्टी भी लगा सकती है ठीक है ना। इसकी पावर क्यों, सिविल कोर्ट जैसी इसकी पावर है, तो आपको 10 करोड़ तक की लगा सकती है और 3 साल तक की सजा दिला सकती है। अगर आपको इसके ऑर्डर या अवार्ड के मतलब जो इसने सजा सुनाई है, कोई डिसीजन लिया है, उसके खिलाफ कहीं अपील करनी है, तो यू हैव टू वन ऑप्शन इन सुप्रीम कोर्ट ठीक है ना, जनरली विद इन द 90 डेज में आपको फाइल करना होगा सुप्रीम कोर्ट में इसके डिसीजन के। कोई कभी कभी क्या होता है, जो हमारे रिट्स होते हैं, हम उसके अकॉर्डिंग से हाई कोर्ट में भी चले जाते हैं एनजीटी के डिसीजन के, रिट्स के अकॉर्डिंग, कोई आपका मतलब फंडामेंटल को, हाँ उसने ऐसा डिसीजन दिया आपको फंडामेंटल में प्रॉब्लम आई हो, तो आप रिट्स का यूज़ करके हाई कोर्ट में चले जाते हो, आर्टिकल 226 से, तो हाई कोर्ट में भी चले जाते हैं, ऐसा इसमें है। पर इसकी जो मेनली जो अपील की जाती है सुप्रीम कोर्ट में की जाती है, और 90 डेज के अंदर होनी चाहिए। अब ये कौन कौन से इसको पावर दी गई, किस किस पे, सिविल मैटर पे अपने केस सुना सकती है, कोई मैटर वाटर एक्ट से रिलेटेड हो 1974, फिर प्रिवेंशन कंट्रोल सेस ऑफ वाटर का उससे रिलेटेड 1977, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, एयर प्रिवेंशन कंट्रोल एक्ट 1981, देखो वाटर एक्ट जो ये वाला है, प्रिवेंशन एयर प्रिवेंशन एक्ट है, इससे CPCB भी बनती है, क्या बनती है, CPCB, मैंने कल पढ़ाया था आपको, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, आपका पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991, प्लीज़ इनके आपको डेट भी ये थोड़ा याद रखना, ये लगाने के लिए आते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, ये लगाने के लिए आते हैं कभी कभी, मैंने देखा है। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002, ये कुछ एक्ट हैं, इनके अगर कोई इसके अंदर कोई चीज़ आती है उसके ऊपर ये डिसीजन अपना सिविल पावर दिखा सकती है, 7 लॉ हैं ऐसे ठीक है ना। अगर कि एनी वायोलेशन ऑफ पिटिशन ऑफ दिस लॉ और एनी डिसीजन टेकन बाय द गवर्नमेंट अंडर दिस लॉ कैन बी चैलेंज बिफोर द एनजीटी। अब इसमें कौन से एक्ट नहीं आते, दो एक्ट नहीं आते इसके अंदर, एक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, एक फॉरेस्ट राइट
एक्ट जो है आपका ड्रिलर वाला जो एक्ट है, ड्रिलर वाला रिकॉग्नाइज फॉरेस्ट राइट जो है 2006, वो इसके जुरिस्डिक्शन में नहीं आता। तो आप ये याद रखना, बस ये याद रखो कौन सा नहीं आता, वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 जो है इसकी जुरिस्डिक्शन में नहीं आता, पर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आता है 1980। तो आप ये हो गए कुछ इसके लैंडमार्क जजमेंट है, कभी कभी पूछ लेता है आपको लिखने के लिए आएंगे। 2013 में जो फ्लड आई थी उसमें अलकनंदा हाइड्रो पावर का ऑर्डर दिया था कंपेंशेट करने के लिए जो वहाँ के मतलब प्रॉब्लम हुई थी। फिर 2015 में एनजीटी में दिल्ली में से जो 10 ईयर ओल्ड व्हीकल्स थे उनको परमिट करना बंद कर दिया था, डीजल व्हीकल को उनको परमिट करना, मतलब दिल्ली में नहीं चलेंगे। उसके बाद 2017 में आर्ट ऑफ लिविंग हुआ था यमुना के किनारे, आपको पता होगा यहीं पे दिल्ली में हुआ था, उसमें एनजीटी ने 5 करोड़ का फाइन लगाया था कि जो आपने यमुना का इन्वायरमेंट है उसको डिस्टर्ब कर दिया। आर्ट ऑफ लिविंग जो श्री श्री रविशंकर ने आर्ट ऑफ लिविंग कराया था यमुना के साइड में, दिल्ली में हुआ था, तो बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था, उसके बहुत बड़ी ज़मीनों को घेरा गया था, उससे प्रॉब्लम आई थी जो कैचमेंट एरिया है उसका उसमें। फिर एनजीटी ने 2017 में इम्पोज कर दिया था मतलब कि इंट्रिम बैन ऑफ प्लास्टिक बैग लेस देन 50 माइक्रो, जो थिनर दिल्ली के अंदर जो थे ये बैग चलते थे पॉलोथीन वाले 50 माइक्रो, उससे थिनर जो थे उनको बैन कर दिया था दिल्ली के अंदर। तो आपको कुछ इसके लैंडमार्क जजमेंट है उनको याद रखने, ये एनजीटी ऐसा कर सकता है। तो मैं आप आ जाता हूँ हिंदू पे, तो मैंने कुछ फायर सेफ्टी रूल्स आपको बता दी मेंस के लिए आपके लिखने के लिए होंगे, और आपको क्या लिखना है ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है, मतलब एक तरह से थर्ड रिक्स है इंडिया का नॉर्दर्न और वेस्टर्न साइड में। फिर स्विच दिल्ली कैंपेज क्या, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ ये एक अवेयरनेस कैंपेज है कि आपकी जो थिंकिंग है रिलेटेड टू इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स वो चेंज हो जाए, जो आपकी बिहेवियर है एक अच्छा बिहेवियर आ जाए और आपका बिहेवियर चेंज हो जाए। ये कहाँ पे है, ये दिल्ली गवर्नमेंट ने चलाया है फोकस ऑन फोर व्हीलर, सबके लिए फोकस करेगा, टू व्हीलर स्पेशली इलेक्ट्रिकल व्हीकल। ये सोशल मीडिया का भी यूज़ कर सकते हैं आपको जागरूक करने के लिए, क्योंकि आपका माइंडसेट क्या है कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल को आप कमजोर मतलब ऐसा मानते हैं। अब उसके बारे में आपको उसकी मतलब कि एडवांटेज गिनाई जाएंगी इन कम्पेयर टू द मतलब कि फ्यूल वालों से एडवांटेज, तो उनकी एडवांटेज कई ज़्यादा अधिक हैं। जब आपको ऐसा बताया जाएगा तो आपका मे बी माइंडसेट चेंज होगा, क्योंकि दो तरह की होती हैं, एक तो होता है मतलब कि बात को मानेंगे नहीं, एक होता है स्विंग पॉपुलेशन, जो उसे अगर थोड़ा सी अकल दे दी है समझा दिया है तो स्विंग हो जाएगी। जैसे मैंने आपको पढ़ाया था पढ़ाया था ना वैक्सीन हेजिटेंसी में, दो तरह की पॉपुलेशन, एक तो मानेंगे नहीं उन्हें तो कर लगवानी नहीं है, एक होती है स्विंग पॉपुलेशन, लगवाएं या ना लगवाएं वहाँ पे उलझी होती है। तो उसे अगर थोड़ी सी अवेयरनेस प्रोग्राम क्रिएट करके उसे बता दिया जाए तो मे बी वो स्विंग हो जाए अच्छे काम के लिए। तो उस टाइप के होता है, दो तरह की पॉपुलेशन होती है। एनजीटी ये आ गया, देखो इसने दिल्ली जल बोर्ड को मतलब कि स्टॉप किया है जो एक्सट्रैक्ट करते हैं ग्राउंड वाटर इन गार्डनिंग, जैसे पार्क होते हैं कम्युनिटी पार्क होते हैं, जैसे मेरे घर के सामने ही यहीं पे पार्क है स्वामी विवेकानंद पार्क है, तो वो क्या करते हैं, मैं एक दिन बैठा देख रहा था, वो क्या करते हैं ग्राउंड से वाटर निकालते हैं और पार्क में यूज़ करते हैं, तो उस पर बैन लगा दिया मतलब स्टॉप कर दिया कि आप ऐसा मत करो कि ग्राउंड लेवल वाटर डाउन हो रहा है आप पार्कों में यूज़ कर रहे हैं, एनजीटी ने बैन लगा दिया। तो वाटर एक्ट मैंने पढ़ाया था 1974 वाला वाटर एक्ट, तो उसके अंडर काम करता है, वो सुना सकती है। ये हो गया हमारा एनजीटी से रिलेटेड। नेक्स्ट न्यूज़ आती है आपकी लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से, पोल कट बाय 1 आवर इन द पार्ट ऑफ केरला। क्यों किया कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, वो आपने मूवी देखी होगी न्यूटन, वो भाग जाता है वहाँ से, वो लेफ्ट विंग नक्सलाइट एरिया बोटिंग करता है, तो उससे क्या होता है बोटिंग क्या होती है रुक जाती है, ठीक है ना। फिर मैंने आपको पोस्टल वैलेट मैंने कल पढ़ाया था कौन कौन दे सकते हैं, सर्विस वर्कर हो गए, मैंने सब बताया था पोस्टल वैलेट, आज नहीं पढ़ाऊंगा, कल की न्यूज़ में मैंने पढ़ाया था, आप सीधा जाके कल के नोट्स डाउनलोड कर सकते हो ग्रुप में जाके, जिन्होंने नहीं पढ़ा वहाँ पे पोस्टल बैलेट लिखा हुआ है किस किस कौन कौन कर सकते हैं, एनआरआई के लिए अभी बैन लगाया है। तो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म क्या इफेक्ट है उसके, थोड़ा उसके बारे में पढ़ेंगे क्योंकि मेंस में ये पूछा जाता है और ये इंटरनल सिक्योरिटी के लिए वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अब आते हैं लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, ये क्या होते हैं कि मेजोरिटी क्या है, ये इंटरनल सिक्योरिटी के बहुत बड़ा रहता है, तो इंटरनल सिक्योरिटी का टॉपिक है। अभी क्या ट्रेंड चल रहा है कि जो इनके वायलेंस थे ना, जैसे 2009 में कितने थे 2258 मतलब कि 2258 केसेस थे, अब जो डाउन हो गया देखो 2018 में 833 केसेस बचे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि वायलेंस क्या हो रहा है इनके कम डाउन हो रहा है, ऐसा लिखने के लिए आएगा रिसेंटली वायलेंस शुड बी इंक्रीजिंग ड्यू टू पेंडेमिक, ऐसा कुछ लिखा आएगा, पर आप उस पर मार्क मत करना क्योंकि रिपोर्ट अभी तक 2018 तक की है हमारे पास, तो उसके अकॉर्डिंग कम हुए हैं। अब इसमें कहते हैं लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म होते क्या है, ये एक ग्रुप है एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ब्रिंग चेंज थ्रू द वायलेंट रिवॉल्यूशन, ये क्या चाहते हैं कि हम कैसे चेंज ला सकते हैं, अगर हम वायलेंटली रिवॉल्यूशन करें, वही एक्सट्रीमिज्म जैसे करते थे, एक्सट्रीमिज्म जैसे करते थे कि हम चेंज कैसे आ सकता है, तो ऐसे आ सकता है। तो ये बिलीव नहीं करते हैं जो हमारी मतलब कि अगेंस्ट रहते हैं डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन के, जो हमारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है उनके अगेंस्ट रहते हैं, और ये क्या करते हैं वायलेंस टू बी सबवर्ट द डेमोक्रेटिक प्रोसेस ऑफ ग्राउंड लेवल, उसे रोकने के लिए ये करने के लिए ये वर्क करते हैं।
दीज ग्रुप आर प्रिवेंट द डेवलपमेंट प्रोसेस इन द लीस्ट डेवलप्ड रीजन, जो लीस्ट डेवलप्ड रीजन है वहाँ पे इनका प्रोग्रोथ ज़्यादा होता है। खुद सोचो आप, अगर दिल्ली में यहाँ पे मैं मॉल बना दूँ, अच्छी फैसिलिटी दे दूँ, अच्छे मतलब एजुकेशन सिस्टम दे दूँ, तो लोग क्यों करेंगे, एम्प्लॉयमेंट दे दूँ, तो वहाँ पे दंगे नहीं होते हैं। ये कहाँ पे होते हैं, यहाँ पे लीस्ट डेवलप्ड रीजन रहते हैं ना, जो डेवलप नहीं है, वहाँ पे इनकी पकड़ ज़्यादा होती है, उसको मिसयूज़ कर जाते हैं ये, मतलब कि तो उस चीज़ को ये यूज़ कर लेते हैं, मतलब उस चीज़ का यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे लो डेवलप रीजन होते हैं। तो गवर्नमेंट ने कुछ स्ट्रेटेजी बनाई है इनको कर्व करने के लिए, जिसे समाधान समाधान डॉक्ट्रिन कैसी आप याद रखो, एस फॉर स्मार्ट लीडरशिप, ए फॉर एग्रेसिव स्ट्रेटजी एम फॉर मोटिवेटेड एंड ट्रेनिंग, ए फॉर एक्शनेबल इंटेलिजेंसी, डी फॉर डैशबोर्ड बेस KPI की परफॉर्मेंट जो होते हैं आपके KPR की रिजल्ट एरिया, H for harassment technology, A for action plan of east threat और N for no process of financing, no access to financing की रोकने के लिए। मैंने आपको एक हिंदू में आर्टिकल आया था नक्सल के ऊपर आया था, उसमें पढ़ाया था कि अगर नक्सलाइट को रोकना है, एक तो उसमें क्या बताया था, जो हमारी पैरामिलिट्री फोर्स हैं उनके परमानेंट स्टेशन डेवलप कर दो, कहाँ पे परमानेंटली उन्हें एम्प्लॉय कर दो, कहाँ पे नक्सलाइट एरिया में। तो ऐसा ही हम कुछ इनके लिए भी लिख सकते हैं, जो एक्सट्रीमिज्म हमें क्या करें, जो पैरामिलिट्री फोर्स है जो इंटरनल सिक्योरिटी को देखती हैं उनको वहाँ परमानेंटली डिप्लॉय कर दो, और जो उनके हम कैंप वैम्प बना के देते हैं, कैंप में रहते हैं वो टेम्परेली, उनके लिए पक्के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना स्टार्ट कर दो, तो उससे क्या होगा वहाँ पे थोड़ा रुक सकता है। फिर एजुकेशन प्रोसेस, फिर जो प्राइमरी आपके मतलब कि डेवलप करने के लिए आपके चीज़ें होती हैं, जो आपकी मतलब सोशल थिंग होती हैं प्राइमरी, उनकी सुविधा इंक्रीज़ करनी, उनको मतलब ये फैसिलिटी देना स्टार्ट कर दो। तो दो मैंने आपको एक दिन एडिटोरियल आया था उसमें मैंने दो चीज़ बताए थे, वही चीज़ इसमें आप मेंशन कर सकते हैं, टू कर द स्ट्रेटेजी ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के लिए, एक है ये समाधान, सॉरी, ठीक है ना। उसके बाद फिर ये इंटेलिजेंस शेयरिंग और राइजिंग द मतलब स्प्रेड ऑफ मतलब इंडियन जो बटालियन है तो उन्हें कर्व करने के लिए इनकी इंक्रीज स्टार्ट कर दो, राइजिंग सेपरेट करना, बस ये तो मेन वही बात बता दी मैंने आपकी, जो आपकी डिप्लॉय करना परमानेंट स्टेशन बना दो, जहाँ पे ज़्यादा आपको लगता है यहाँ पे ज़्यादा है। और ये समाधान आप नक्सलाइट में भी लिख सकते हैं, इस टाइप की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए समाधान, तो आप इसे अपने तरीके से याद कर लेना। अब डेवलपमेंट ऑफ लेफ्ट विंग अफेक्टेड एरिया, मतलब कि क्या डेवलपमेंट करना चाहिए, स्पेशल्स आपको सेंट्रल असिस्टेंट प्रोवाइड करनी चाहिए, रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट करने चाहिए, स्किल डेवलपमेंट करना चाहिए, एजुकेशन इनिशिएटिव देने चाहिए, जैसे आपके न्यू केंद्र विद्यालय KV विद्यालय होते हैं, फिर GNV होते हैं, जवाहर नवोदय विद्यालय, वो 5वीं 6वीं क्लास में एडमिशन होता है उसमें GNV में। और फिर ट्राइब्स के लिए हम क्या चला रहे हैं, एकलव्य मॉडल, आप याद रखना एकलव्य मॉडल, ऑल्सो प्लान ओपन स्कूल अंडर एकलव्य मॉडल, ये ट्राइब्स के लिए चलते हैं एकलव्य मॉडल, ठीक है ना। उसके बाद इंस्टॉलेशन मोबाइल टावर टू एंडलेस द टेलीकॉम कम्युनिटी, फिर फाइनेंशियल इंक्लूजन, हमें देखो फाइनेंशियल इंक्लूजन कितना इंपॉर्टेंट है, अब मैंने बताया ना फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ेगा तो उससे क्या बढ़ेगा आपका, फिर बताओ क्या बढ़ेगा वो, हाँ क्या बढ़ेगा उससे आपका, बढ़ेगा उससे बढ़ेगा करेंसी मल्टीप्लायर आपका इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। और भी चीज़ इंक्रीज होती है, फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ सकती है, अगर आप किसी को फाइनेंशियल लिटरेसी फाइनेंशियल एजुकेट कर दे उसकी लिटरेसी इंक्रीज हो जाएगी फाइनेंशियल, तो उसको पैसा यूज़ करने की समझ आ जाएगी, उससे क्या होता है एक प्रॉस्पेरिटी आना स्टार्ट हो जाता है, अगर किसी को पैसा यूज़ करने की समझ है ना तो प्रॉस्पेरिटी आना स्टार्ट हो जाएगा। शायद मैं आज थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ाऊंगा कहीं, तो आप देख लेना। फिर क्या आता है डिफरेंस बिटवीन GSLV, इसके नीचे ही आएगा, और PSLV, आपको याद रखना है PSLV क्या है कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, और GSLV क्या है आपका जियो सिंक्रोनाइज्ड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है ना। दोनों किसने डेवलप किए हैं, इसरो ने डेवलप किए हैं, ये रॉकेट है जो आपको सैटेलाइट को लेके जाते हैं ऊपर। PSLV क्या है कि यूज़ करता है कि डिलीवरी वेरियस सैटेलाइट इन लो अर्थ ऑर्बिट, इतना यार लो अर्थ ऑर्बिट में भेजने के लिए, इट इज डिजाइंड मेनली टू डिलीवर अर्थ ऑब्जर्वेशन, ये अर्थ ऑब्जर्वेशन और रिमोट सेंसिंग के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो ये लो अर्थ ऑर्बिट में लगते हैं, ये कितना ले जा सकता है, 1750 तक का ले जा सकता है आपका सन सिंक्रोनाइज सर्किल पोलर के, और कितनी दूर है ये, यहाँ पे 600 से 900 किलोमीटर तक ये ले जा सकता है, बस लो अर्थ ऑर्बिट तक ही ले जा सकता है PSLV। पर हमने तो इससे बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, मैं आपको गिनाऊंगा, ठीक है ना। तो हम कैसे किए हैं वो आपने मूवी देखी होगी, अभी मूवी आई थी अक्षय कुमार की, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट तक ले जा सकता है 1400 किलोवाट की कैपेबिलिटी, और लिफ्ट करना चाहें तो, और GTO तक ले जा सकते हैं हम इससे एलिप्टिकल। और ये क्या होता है, PSLV एक फोर स्टेज इंजन है, ये इंजन भी याद रखना, फर्स्ट और
एंड थ्री स्टेज में क्या है, सॉलिड है, तो सेकंड में क्या है, सेकंड और फोर्थ में क्या है, लिक्विड है, तो क्या है, सॉलिड लिक्विड सॉलिड लिक्विड, तो फोर स्टेज इंजन है पीएसएलवी, पहले सॉलिड चलेगा फिर लिक्विड चलेगा फिर सॉलिड फिर लिक्विड, तो ये वाला इंजन है पीएसएलवी, इज वन ऑफ द मोस्ट वर्ल्ड का मोस्ट आपका रिएबल लॉन्चिंग व्हीकल। ऐसा क्यों है, क्योंकि इतना कैपेबल है, एक बहुत कमी फील हुआ है चीज़ों को मतलब करने में, और उसने कितने बड़े मिशन किए हैं, चंद्रयान वन, मार्स ऑर्बिटल मिशन, स्पेस कैप्सूल रिकवरी एक्सपेरिमेंट, इंडियन रीजन नेविगेशन सेटेलाइट जो एनराज अपना बना रहे हैं ना, नेविगेशन बना रहा है, वो भी इसे हमने लॉन्च किया। अब आप मुझसे बताओगे कि इतने बड़े बड़े मिशन लो ऑर्बिट में थोड़ी है, तो बहुत दूर तक जाने हैं, कैसे कर रहे हैं, तो आपने मॉन, ये मॉम मूवी आई थी आपने शायद देखी होगी, और उसमें पता लगा उन्होंने कैसे उन्होंने सोलर फ्लेप का यूज़ किया भेजने के लिए उसे एक्स्ट्रा एनर्जी वहाँ से ली। तो हमने पीएसएलवी, हमें क्या यूज़ करना चाहिए, जीएसएलवी यूज़ करना चाहिए था, पर हमने पीएसएलवी से ही वो मिशन पास कर दिया। जीएसएलवी ज़्यादा है मतलब इसका मास भी ज़्यादा है, दूर तक भी ले जा सकता है, 36,000 किलोमीटर तक ले जा सकता है, और जियो सकता है सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल है, ठीक है ना, जिससे हम सैटेलाइट भेजते हैं, इनसेट वाली क्लास सैटेलाइट इसी से भेजी जाती हैं, पर ये क्या है, ये थोड़ा हैवी और इसमें ज़्यादा पैसे लगते हैं, तो बस आपको इतना याद रखना है, ये आपको इससे ऊपर भेजना होगा आपको लो ऑर्बिट से, तो जीएसएलवी का यूज़ किया जाता है, तो ये इसमें अंतर है। और आप पढ़ लेना, ये क्या होता है कि टू वर्जन है जीएसएलवी के जो डेवलप इसरो ने किए हैं, फर्स्ट वर्जन जीएसएलवी मार्क टू है, ठीक है ना, ये 5,000 लिफ्ट ले जा सकता है ऊपर तक, अगर ये एक तो सॉलिड रॉकेट, मतलब इसमें क्या है, ये थ्री स्टेज इंजन है, वो क्या था, फोर स्टेज था आपका पीएसएलवी, सॉलिड लिक्विड, ये थ्री स्टेज है, फर्स्ट स्टेज है यूजिंग सॉलिड एंड सेकेंड टू स्टेज लिक्विड यूज़ करते हैं, और थर्ड स्केल मतलब इसे क्या बोला जाता है, आपको क्रैग्नोजेनिक अपर स्टेज बोला जाता है, यूजिंग क्रैग्नोजेनिक इंजन इसमें यूज होता है। तो ये इसमें दो स्टेज है, एक स्टेज सॉलिड की, दो इसमें लिक्विड की यूज करते हैं। तो ठीक है ना, ये क्या बोला जाता है, ये क्रायोजेनिक इंजन बोला जाता है। कुछ मैंने समरी है इसमें कुछ, आप यार पीएसएलवी इज ओल्डर देन जीएसएलवी, जीएसएलवी इज मच ग्रेटर लोड कैपेसिटी देन पीएसएलवी, जीएसएलवी, ये सीधे पॉइंट आपको मिलेंगे आपको प्री के अंदर, जीएसएलवी यूज उल्टे कर देंगे, जीएसएलवी यूज क्रायोजेनिक इंजन व्हाइल पीएसएलवी डज नॉट, जीएसएलवी थ्री स्टेज पीएसएलवी फोर स्टेज, जीएसएलवी मतलब फोर लिक्विड बूस्टर, ठीक है, व्हाइल पीएसएलवी सिक्स सॉलिड बूस्टर, पीएसएलवी इज मोर लाइबल देन जीएसएलवी। तो आप ये कुछ पॉइंट है ना, ये फ्री में डायरेक्ट आपको उल्टे मिलेंगे, ये उल्टे कर देंगे, अगर गलत करने होंगे, सही भी करने होंगे तो ऐसे ही लिख देंगे, और क्या कर देंगे, ये कर देंगे आपको, जीएसएलवी हैज फोर लिक्विड बूस्टर, पीएसएलवी हैज फोर लिक्विड बूस्टर, आपको ऐसा, हाँ फोर स्टेज इंजन है तो उसमें आप उल्टा कर जाओगे, पर इसके पास सिक्स सॉलिड बूस्टर है, तो ये सीधा आप पढ़ लेना समरी। जो फिर आप इशू आता है कंटेंट ऑफ कोर्ट का, मैं उसमें दिखाऊंगा क्यों है, मैं यहीं से पढ़ा देता हूँ। कंटेंट ऑफ कोर्ट का क्या है कि ऑफेंस, मतलब कि कंटेंट ऑफ कोर्ट क्या होता है, कोई डिग्निटी को और कोर्ट की डिग्निटी को अथॉरिटी को हार्म करता है तो उस पर कंटेंट ऑफ कोर्ट लगाया जाता है। ये ऑब्जेक्ट क्या है कि सेफ गार्ड रखना है आपको, किस चीज़ को सेफ गार्ड करना है कि इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक का जो इंटरेस्ट है ना कोर्ट के प्रति, उसको बचा के रखना है, कि ऐसा नहीं है कोर्ट को भी लोग गाली देने लगे, तो उस जो उसकी डेजिग्नेशन है, जो उसका पब्लिक कॉन्फिडेंस है, तो उसको बचा के रखना है, उसको वीक नहीं करना है। तो ये क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट ड्राइव दिस, मतलब कि ड्रिव दिस कंटेंप्ट पावर फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन से इन्हें मिली गई है। कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 में आउटलाइन कुछ प्रोसीजर है, कैसे कैसे हम लगा सकते हैं, क्या पनिशमेंट है, क्या इन्वेस्टिगेशन करेंगे उससे रिलेटेड। तो एक्ट कैसे डिवाइड है, एक्ट एक सिविल और क्रिमिनल कंटेंप्ट में डिवाइड है। सिविल क्या होता है कि मतलब कि विलिंगफुल डिसओबीडियंस ऑफ द ऑर्डर, कोई ऑर्डर दिया कोर्ट ने, आप उसे नहीं मान रहे हो, तो उसको क्या होगा, सिविल में आएगा, ठीक है ना। अब क्रिमिनल कंटेंप्ट क्या होता है कि आपने क्या किया उसके खिलाफ, मतलब कोर्ट के कोई डिसीजन आया, आपने कुछ ऐसा अपना लिखा कि मतलब कोर्ट की मान हानि, मतलब कि जो उसकी डेजिग्नेशन है उसको हार्म कर रहा है, कुछ आपने पब्लिश किया या आपने कुछ स्कैंडलाइज किया कोर्ट के साथ, मतलब फ्रॉड किया, फिर जुडिशियल प्रोसेसिंग में आपने कुछ उल्टा सीधा किया, इंटरफेरेंस किया उसके एडमिनिस्ट्रेशन में, प्रॉब्लम किया जस्टिस जो उनके इंटरफेरेंस किया, ये क्रिमिनल में आते हैं, इसमें आपको करना पड़ेगा, तो ये आएंगे क्रिमिनल में। इसमें क्या हो रहा है कि कोर्ट ने कुछ बोला वो आपने करा नहीं, वो आपने माना नहीं, उसको डिसओबे किया, उसने बोला आपको 1,000 रुपये का फाइन भरना है, जैसे अभी क्या हुआ था, वो प्रशांत भूषण को अभी सिविल में रखा गया था और उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने फाइन लगाया था, 1 रुपये का फाइन लगाओ क्योंकि आपने सिविल कंटेंप्ट किया है। अगर वो 1 रुपये जमा नहीं करते, अपना नहीं करते, तो सिविल कंटेंट में मतलब और भी कुछ हो सकता था। तो ये सब चीज़ें क्या है कि मतलब कि सिविल अलग है, सिविल में आप कुछ उसने बोला विलिंगफुली आप डिसओबे कर रहे हैं उसके ऑर्डर को, ये सिविल में आएगा, और क्रिमिनल में आप उसके खिलाफ कुछ कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारे कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट हो गए, और ये कॉन्स्टिट्यूशन में है, कहाँ से
ड्राइव देयर कंटेम्प्ट पावर फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन से मिलती है, और एक्ट से उसके इन्वेस्टिगेशन, पनिशमेंट और प्रोसीजर कैसे है वो करने की पावर मिलती है। देखो यहाँ से आई श्रीहरिकोटा से अभी क्या लॉन्च हुआ है, PSLV C-51 लॉन्च हुआ है, जो अमेजोनिया और 18 अदर सैटेलाइट लेके गया है, ठीक है ना। लॉन्च हुआ है 10:24 AM, अभी लॉन्च हुआ है, एक घंटा पहले लॉन्च हो गया। कहाँ से हुआ? सतीश धवन स्पेस सेंटर, जो श्रीहरिकोटा में, और इसरो ने लॉन्च किया है। तो ये हो गया आपकी दूसरी न्यूज़ आती है, कर्नाटक टू फोकस ऑन वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। मैंने आपको बताया था ये यूपी से स्टार्ट हुई थी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। जैसे मेरठ हुई, मेरठ किसकी चीज़ कैपिटल? स्पोर्ट्स कैपिटल है, स्पोर्ट्स के गुड्स वहाँ पे बनते हैं। आपकी मुरादाबाद हुई, वो ब्रास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ब्रास को फोकस करना है। आपकी सहारनपुर हुई, सहारनपुर किसके लिए फेमस है? सहारनपुर आपकी फेमस है रिलेटेड टू वुड्स के लिए, तो वुड को डेवलपमेंट करना है। मुजफ्फरनगर हुई, शुगर केन से रिलेटेड बेल्ट है, तो शुगर केन को, शुगर को और गुड़ जो बनता है उसको बढ़ावा देना है। तो ऐसे ऐसे डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग है, तो ऐसे ही स्टार्ट की है कि आपकी कर्नाटक ने फोकस करना वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। तो इससे क्या होता है कि अगर फोकस करोगे जो उसकी बेसिक इंडस्ट्रीज़ है, क्योंकि क्यों बनी है, क्योंकि वो रीज़न उस चीज़ के लिए सुटेबल है। अगर आप उस चीज़ को बढ़ावा दोगे, उस प्रोडक्ट को बढ़ावा दोगे, तो उससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो जाएगा। जो हमारी लेबर पहले ट्रेडिशनल इस चीज़ में काम करती थी, छोड़ दिया उन्होंने काम करना, तो उसको बढ़ावा मिलेगा। तो ये चीज़ आई है। फिर इसमें क्या है, स्कूल ड्राइव डिजिटल आपका डिटॉक्स रूटीन। अभी क्या हो रहा है कि बच्चे क्या हो गए, वो थक गए, वो बार बार पूरे दिन, मतलब क्या हो गया, वो डिजिटल फिटिंग ही हो गया है, और आई स्ट्रेन प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो गई है, हेडेक हो गया है, बर्निंग आई से स्टार्ट हो गया है, स्लीपनेस कम हो गई है बच्चों में। कैसा क्यों हो गया है? बिकॉज ऑफ दिस कोविड पेंडेमिक से क्या हो गया है कि ऑनलाइन बैठना, वो क्या करते हैं, 2 घंटे क्लास होती है, 2 घंटे फिर वो गेम खेलते हैं, तो ऐसे क्या हो गया, 5-6 घंटे एक साथ इकट्ठा करना स्टार्ट हो, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट होना स्टार्ट हो गई है। ऐसा मैंने नहीं बोला, ऐसे बहुत सारी रिसर्च आई है, ऐसे बहुत सारी चीज़ों ने बोला है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ और न्यूरो साइंस ने क्या कहा है, स्कूल से क्या कहा है, शुड बी इंकरेज द स्टूडेंट टू यूज ऐप। एक ऐप है, यूज़ करो, ट्रैक देयर स्क्रीन टाइम। पेरेंट्स और टीचर को, मतलब जो पेरेंट्स और टीचर तो नहीं देख पाएंगे कब तक पास में रहेंगे, क्योंकि एक ऐप मतलब कि आने चाहिए, ट्रैक कर सके कि कितने घंटे बच्चे ने मतलब कि वो स्क्रीन को यूज़ किया, स्क्रीन टाइमिंग को यूज़ किया। उससे क्या हो गया, प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो गया, क्योंकि देखो कितने 13, 14, 15, 16 साल के बच्चे हैं, वो पूरा पूरे दिन मोबाइल में बैठते हैं, फिजिकल एक्टिविटी से दूर जा चुके हैं, तो उनकी मेंटल और हेल्थ पर असर आएगा ना। अब फ़ोन को यूज़ करके तो आइस पर स्ट्रेन होगा, हेडेक होगा, स्लीपनेस होगी, ये जब भी तो आपको आपको नींद क्यों नहीं आती है रात में। वन ऑफ द कारण क्या है कि आप पूरी रात फ़ोन चलाया आपने एक घंटा सोने से पहले, तो क्या होता है, आइज स्ट्रेन हो जाता है, आप स्लीपनेस मतलब नींद ही नहीं आएगी आपको। अगर आप एक काम करना कि आप फ़ोन मत यूज़ करना, सो जब लाइट ऑफ करो तो फ़ोन यूज़ मत करना, तो देखना आपको विद इन 5-10 मिनट में नींद आ जाएगी। तो यही प्रॉब्लम आ गई, प्रॉब्लम में आप ये मेंशन कर सकते हो, 4 प्रॉब्लम मैंने ऊपर बताई थी आपको, पेंडेमिक से क्या हुआ है, पेंडेमिक से ये भी हुआ ऑनलाइन एजुकेशन का। फिर आता है आपका, आता है चनापटना टॉयज़। बस इसको याद रखना है कहाँ के हैं, ये इंक्रीज़ किया है आपको मोदी जी ने, इंक्रीज़ किया है कि टॉयज़ को डेवलप करने के लिए। ऐसा कहाँ पे हुआ है, इंडिया टॉय फेयर 2021 अभी दिल्ली में हुआ था, अभी आज से स्टार्ट होने वाला है इंडिया टॉय फेयर, आप जाना प्रगति मैदान में स्टार्ट होगा। तो चनापट्टा जो टॉयज़ हैं वो कहाँ के, वो कर्नाटक रीजन के हैं, तो उन्हें आर्टिशन को मतलब बढ़ावा देने के लिए बात की। चनापट्टा टॉयज़ आपको याद रखना है बस। आगे चलते हैं, फिर क्या हो गया कि मतलब रिलेशन अच्छे करने की बात कर दिया पीएम ने। अभी मैंने कल ही आपको बताया था कि इन्होंने क्या काम किया है, मतलब कि हमने स्पेस, जो हमारा स्पेस रूट है वो हमने प्रोवाइड किया था, इनको प्रोवाइड किया था, और फिर हमारे मतलब कि इन्होंने बात करनी स्टार्ट की है, जो DGMO की बात करनी स्टार्ट हो गई है शांति बहाल के लिए, ठीक है ना। तो 2013 में जो सीज़ फायर था उस पर बात करनी स्टार्ट हो गई, उस पर हम मानेंगे, वही सीज़ फायर जहाँ पर हुआ था वो हम, जो उस पर साइन हुई थी चीज़ें वही हम मानेंगे। तो मतलब कि स्टार्ट हो गया, ऐसे क्या होगा, अच्छी रिलेशन स्टार्ट होगी, तो हमारे जो शार्क की जो मीटिंग रुकी हुई है, हमारे जो बीच में कॉन्फ्लिक्ट है वो सॉल्व हो सकते हैं, अच्छे से ट्रेड फर्निश हो सकता है, तो ये बात की गई है। US ने क्या किया था, सऊदी अरब पे सेंक्शन लगाने की बात कुछ चल रही थी, कुछ जर्नलिस्ट का मर्डर हुआ था, बस इतना याद रखना, अभी उसमें कुछ एक्शन नहीं लिया है, ठीक है ना, अभी US ने कुछ एक्शन नहीं लिया है। जमाल आपका काश हो गई कुछ करके, इनका जर्नलिस्ट का भी क्या हुआ था, मर्डर हुआ था, तो ये बस इतना याद रखना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। US ने एयर स्ट्राइक किया सीरिया के ऊपर, मैंने बताया था, जो ईरान के बैक मिलिटेंट्स हैं उनको रोकने के लिए, वो आपको याद रखना। फिर रिलीफ फंड जारी कराया बाइडन ने अपनी कंट्री के लिए। फिर ट्रंप का रिवाइवल, रिपब्लिक वोट इन इम्पीचमेंट, इनका भी चलता ही रहेगा। आपकी नेक्स्ट न्यूज़ आती है ISER से, जो कोलकाता के साइंटिस्ट स्टिमुलस मार्स ऑन कंप्यूटिंग है, इन्होंने क्या किया है कि एटमॉस्फेयर लॉस्ट, जो एटमॉस्फेयर हुआ है, अभी क्या बताया जा रहा है कि मार्स और वीनस पे कभी लाइफ होती थी, ऐसा साइंटिस्ट बोल रहे हैं।
तो उसका जो मार्स का जो उनका जो एटमॉस्फेयर था वो कैसे लॉस हुआ है, तो बस इसमें सीधी बात की गई है। आप कुछ अभी ये सीधी एक्सपेरिमेंट बेसिस है, कोई इसमें पुख्ता सबूत नहीं है, तो हमें बिल्कुल नहीं पढ़ना है, यूपीएससी बिल्कुल नहीं पूछेगा कि क्या है। आपको इसमें कुछ टर्म्स आए हैं, जैसे आया है इसमें गोल्डी लॉक जोन, ये क्या होता है, ये कुछ ये होता है वन ऑफ द थिंग ऑफ एस्ट्रोनॉमर्स रिसर्च, एक्सपो प्लानिट इन कॉल्ड गोल्डी लॉक जोन ऑफ हैबिटेबल जोन है, जहाँ पे लोग रहते हैं हैबिटेबल जोन है, इज देन एक्सिटेंसी ऑफ लिक्विड वाटर एंड एटमोसफियर लाइक द अर्थ, उसे बोलते हैं गोल्डी लॉक जोन। जैसे ये है आपका मार्स, इसमें कोई जोन बता रहा है कि पानी था यहाँ पे, कभी लाइफ थी, ये वो था, एटमोसफियर लाइक अर्थ है, तो उसे क्या बोलेंगे आप, गोल्डी लॉक जोन बोलेंगे, ये आपको याद रखना है। इट इज़ बिलीव दैट मैनी दैट मार्स वंस हैड सच एन एटमोसफियर था वहाँ पे, देयर मैकेनिज्म एज टू वाइट लॉस द एटमोसफियर हैज़ बीन रिटेन डाउट, ये भी डाउट में, तो डाउट की चीज़ें हम नहीं पढ़ेंगे। इन्होंने कुछ बात किया आपकी मैग्नेटिक डाइनो स्विच ऑफ, ठीक है ना, वैन मैग्नेटिक डाइनो जो होता है ना, मैग्नेटिक जो होता है आपका डाइनो जो होता है, जब मैग्नेटिक चीज़ होती है घूमती रहती है, जब वो स्विच ऑफ हो जाता है, जैसे आपको क्या होता है, आप यहाँ से रेज भेजेंगे आइनोस्फीयर से लौट के आ जाएंगे, क्या बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड एक तरह से वहाँ पे भी ये वो सब, तो वो जब स्विच ऑफ हो जाता है एटमोसफेयर स्लोली इरोड हो जाता है बाय द सोलर विंड, जब वो ऑफ हो जाएगा, जब सोलर विंड आती है ना, जैसे यूवी रेज आती है तो कैसे रुक जाती है ना वो, तो उससे क्या होगा, जो सोलर विंड आती है वो इरोड कर देगी उस एटमोसफेयर को जो वहाँ पे था, और लीव द थिन रिमेन वी सी टूडे। तो आपको ये बस याद रखना है मैग्नेटिक डाइनो स्विच ऑफ होने की वजह से जो फिर सोलर विंड जो आएंगी उससे वो स्विच ऑफ हो जाएगा, बंद हो जाएगा वो एटमॉस्फेयर जो पहले था, ऐसा बोल रहे हैं। अभी कोई रिसर्च आएगी तब हम देखेंगे, ऐसा कौन बोल रहा है, इंडियन आपका साइंस फॉर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च जो कोलकाता के अंदर है। और क्या आती है ठीक है, दूसरी नहीं आती, नैनो शीट, एक शीट डेवलप की गई है, वो हेल्प क्या करती है, आपके यूरिक एसिड होते हैं आपके यूरिन के अंदर, एल्कोलिन ब्रीदिंग कितना है उसको नापने के लिए एक नैनो शीट डेवलप की गई है। आपको याद रखना है कि आपके यूरिन में क्या होते हैं, यूरिक एसिड होते हैं, ठीक है ना, तो एक नैनो शीट डेवलप की गई है, डिटेक्ट कर सकते हैं एल्कोहल कितना है आपकी बॉडी के अंदर, लेस देन 3%, जो मशीन आती है ना पुलिस वाले के पास होती है, तो क्या करती है, अगर आप इतना एल्कोहल पियोगे तभी वो डिटेक्ट करते हैं एक मात्रा में, अगर 3-4% से ज़्यादा होगा, कंसेंट्रेशन अब 5%, देखो लिखा है ना, इतना में नहीं पढ़ना तो ही डिटेक्ट कर पाती है, पर ये वाली जो आई है 3% भी डिटेक्ट करके बता देगी, जो नैनो शीट आई है अभी, नैनो शीट क्या, हमें कुछ नहीं पढ़ना है, कुछ भी नहीं पढ़ना है, क्या स्ट्रक्चर है, 2D मटेरियल है, आपको याद रखना नैनो शीट का नाम क्या है, उसका मोलिडीनियम आपका डिसल्फाइटेट करके नाम है, डिसल्फाइटेट करके उसका नाम है, बस ये आपको याद रखना है। एक शीट है, ये तरह की स्प्रेड करती है, पेपर टाइप शीट है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक करंट को फ्लो किया जाता है, इलेक्ट्रिक करंट को, वेल लिक्विड फ्लो ओवर इट, इसमें जैसे लिक्विड फ्लो कर रहा है उसको यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट कर दो तो कुछ चीज़ बता देगी, वो डिटेक्ट कर देगी कितना ऐसे परसेंटेज है, तो यूरिन एसिड को उसके ऊपर आप अपना यूरिन डालोगे तो इसमें यूरिक एसिड कितना है, और उसमें ब्रिथ उस पर आप कुछ भी करोगे, या फिर वो स्प्लिटिंग कराएंगे या फिर आपको कुछ भी कराएंगे उसके ऊपर, तो वो डिटेक्ट कर देगी अल्कोहल कितना है। तो ऐसी कोई डिवाइस आई है, मतलब कि शीट है, उसके नाम बस ये याद रखना और कुछ नहीं है। सुपर स्प्रेडराइजिंग कोविड केसेस, जैसे मैं आपको बता ही चुका हूँ कोविड केसेस बढ़ने स्टार्ट हो गए, न्यू रूल्स फॉर सोशल मीडिया, ये मैं आपको अभी पढ़ाऊंगा, मैं आपको इसमें बस इसमें बता दूँ क्या क्या न्यूज़ है, ट्रिप्स की न्यूज़ है, अभी वैक्सीन को क्या आ रहा है कि कुछ कंट्री क्या कर रही है, IPR ले रही है, IPR लेकर रख ले रही है, उसका मतलब ठीक है ना, तो ट्रिप्स ने क्या बोला है कि इंडिया बोल रहा है कि नहीं सही काम कर रहे हैं, IPR लेकर रख लेना चाहिए, कोई डेवलप ना कर पाए, फिर कुछ कंट्री बोल रही है कि नहीं गलत चीज़ है, ये एक पेंडेमिक सिचुएशन है, आप ऐसे जो इंस्टीट्यूशन है आपके पैर जो आपको बना रहे हैं, मतलब दवाई को बना रहे हैं, उनका IPR लेना नहीं चाहिए, ऐसा कोई चीज़ नहीं माना चाहिए, तो ट्रिप्स के बारे में आपको पढ़ाऊंगा। ये सारे ये ट्रिप्स वेव द वैक्सीन टू की ग्रोथ, मतलब कि ये क्या कर देगा कि मतलब की ग्रोथ को रोक देगा। और कोई न्यूज़ नहीं है हिंदू से, मैं आता हूँ अपने एडिटोरियल पे। पहले आता है न्यू जो IT रूल्स आए 2021, जो IT रूल्स आए किस चीज़ के लिए आए, सोशल मीडिया के लिए आए और OTT प्लेटफॉर्म, OTT प्लेटफॉर्म ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म, जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजॉन प्राइम हो गया, जितने भी आपके जी, अब तो बहुत सारे आ गए, दुनिया भर के आ गए हैं ये सब प्रोग्राम, ठीक है ना, तो किस चीज़ के एक्ट की बात करें, दिस रूल हैड बीन फेम एक्सरसाइज द पावर, पावर कहाँ से मिलेगी इन्हें, इन्फॉर्मेशन जो मैंने एक्ट बताया था आपको, IT एक्ट जो बताया था 2000 से, इन्हें पावर मिलेगी, उसके अंदर ये गाइडेंस किए गए हैं टू। अब IT एक्ट 2021, न्यू IT रूल 2021 क्या बोलते हैं कि वाई नहीं न्यूज़ के होते क्योंकि चेंज किए गए हैं OTT प्लेटफॉर्म के लिए। चलो आते हैं, सोशल मीडिया क्या है और डिजिटल न्यूज़ क्या है और OTT प्लेटफॉर्म क्या है, अभी आइडेंटिफाई करेंगे कि फर्स्ट
ओरिजिनेटर कहाँ है, मतलब कहाँ से ओरिजिनेटर हुआ। चलो भाई बाद में बताऊंगा, पहले नीचे आ जाता हूँ। 2008 में क्या आता है, सुप्रीम कोर्ट एक वर्डिक्ट सुनाती है, फेम करने के लिए बोलती है कुछ गाइडलाइंस बनाओ, ये चाइल्ड पोर्नोग्राफी रेप और एक गैंग रेप इमेजेस वीडियो साइट जो चल रही हैं, होस्टिंग कर रहे हैं प्लेटफॉर्म, और आपको पता ही है कितना नंगा नाच चलता है। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, 2018 में 2020 में इन्होंने डेवलप, मतलब कि फिर राज्यसभा ने एडहॉक कमेटी बनाई इसके लिए, राज्यसभा में भी प्रोनोग्राफी सोशल मीडिया ये वो सब रोकने के लिए और वीडियो स्ट्रीमिंग ओवर OTT को रोकने के लिए, तो कुछ चीज़ बनाई। फिर इसके बाद न्यू गाइडलाइन जारी कर दी गई क्या करना चाहिए। न्यू गाइडलाइंस क्या बोलती है, सोशल मीडिया और उसके इंटरमीडिएटरी, ये सारे नेटफ्लिक्स इंटरमीडिएटरी तो है, ये कोई मूवी लेके आएंगे आपको दिखाएंगे तो ये बीच में दलाली का काम करता है, इंटरमीडिएटरी है बीच में, आप देखोगे इन्हें पैसा दोगे ये ऊपर पैसा देंगे, तो इंटरमीडिएटरी ये हो गए OTT वाले। और सोशल मीडिया तो आपको पता ही है, कैटेगरी ऑफ सोशल मीडिया क्या रखी गई, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ यूजर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंटरमीडिएट हैज़ बीन डिवाइडेड इन टू ग्रुप, एक तो हो गया सोशल मीडिया इंटरमीडिएट, एक हो गया सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडिएट, तो इसमें डिवाइड है इतना मत याद रखो। फिर ड्यूटी आपका डिलीजेंस फॉलो बाय द इंटरमीडिएट, सेफ हार्बर प्रोविजन विल नॉट अप्लाई टू देम, कुछ मत याद रखो। फिर ये इंपॉर्टेंट आपका ग्रीवेंस रिजन मैकेनिज्म जो है मैंडेटरी कर दिया है, कि आप ग्रीवेंस हो कोई शिकायत होगी मैंडेटरी कर दिया गया, या अपॉइंट जो इंटरमीडिएट्स हैं ये अपॉइंट करेंगे ग्रीवेंस ऑफिसर को जो इंडिया का ही होना चाहिए, शेयर द नेम डील विद द कंप्लेंट कॉन्टैक्ट डिटेल सच एस ऑफिसर को, जैसे आप नेटफ्लिक्स यूज़ कर रहे हो आपको ग्रीवेंस पोर्टल पे जाना है तो वहाँ पे वो शेयर करेंगे नेम ये है ये आप कर सकते हो ये कॉन्टैक्ट है उनसे कर सकते हो ऐसे कर सकते हो, और उस ऑफिसर को मतलब कि विद इन 24 आवर्स में रिसॉल्व करना होगा इट विद इन 15 डेज फ्रॉम द रिसिप्ट, जैसे 24 आवर में तो उसे क्या करना होगा कंप्लेन को देखना होगा रिसॉल्व करना होगा उसके, मतलब जैसे आपने कंप्लेन की अब तो कल तक उसे मतलब उस कंप्लेन को आपको रिप्लाई भेजना होगा, हाँ आपकी कंप्लेन ले रहे हैं कुछ काम करेंगे, और 15 दिन के अंदर उसे कंप्लेन को रिसॉल्व भी करना होगा, ऐसा मैंडेटरी कर दिया गया है। अब इंश्योर ऑनलाइन सेफ्टी एंड डिग्निटी ऑफ यूज़र, हमारी जो सेफ्टी है उसको डिग्निटी एंड यूज़र की उसको मेंटेन रखना है इंश्योर करना है, रिमूव द डिसेबल एक्सेस विद इन 24 आवर रिसिप्ट ऑफ द कंप्लेन, ये सब चीज़ें। बाकी सच कंप्लेन कैन बी फाइल्ड आइदर बाय द इंडिविजुअल और एनी पर्सन और इन हिज और हर बिहाफ पे कोई कंप्लेन करता है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ों को हमें क्या करना है, फिर क्या करना है, सिग्निफिकेंस ऑफ सोशल मीडिया जो इंटरमीडिएट्स हैं उनके लिए कुछ क्या है, ये अपॉइंट करेंगे क्या करेंगे चीफ कंप्लेन ऑफिसर जो नोडल कॉन्टेक्ट पर्सन होगा एंड द रेसिडेंट गिवन ऑफिसर हुम द रेसिडेंट इंडिया, इसका रेसिडेंट्स इंडिया में होना चाहिए। कंप्लेन रिपोर्ट मंथली कंप्लेन रिपोर्ट आपकी मेंटेनिंग डिटेल ऑफ द कंप्लेन रिसीव बाय द एक्शन टेकन बाय द कंप्लेन, सब चीज़ें वही हैं कि ग्रीवेंस है और सब चीज़ इंडिया में होनी चाहिए और आपकी कंप्लेन को इजी सॉल्व करने के लिए होना चाहिए। आपको बस कुछ कुछ मोटी चीज़ें याद रखनी है, सीधा आप इसे पढ़ लेना, इतना कुछ नहीं है। मैंने पूरा उधर से उठा के PIB से घर लेके आ गया और कुछ नहीं किया मैंने। आइडेंटिफाई करेंगे ओरिजिनेटर कहाँ है, कोई गलत मैसेज फ्लो कर रहा है सोशल मीडिया में तो उसे आइडेंटिफाई करेंगे, पहली बार ये ओरिजिनेटर कहाँ से हुआ कहाँ से स्टार्ट हुआ, इसकी जिम्मेदारी किसे दी गई है, मैंने आपको पहले ही पढ़ाया था इसकी जिम्मेदारी दी गई है उसको दी गई है, जैसे व्हाट्सएप और इतना व्हाट्सएप को दी गई है। और फिर रिक्वायर ओनली द पर्पस ऑफ मतलब कि प्रिवेंशन डिटेंशन इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, सो कोई सोवरेनिटी इंटीग्रिटी को हार्म कर रहा है, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट को, फ्रेंड रिलेशन विद द फॉरेन के पब्लिक ऑर्डर को हार्म पहुंचा रहा है, तो उन सब चीज़ों को करने के लिए अगर ऐसा कुछ है तो उसे क्या हो सकती है 5 साल की सजा, इंप्रिजनमेंट नॉट ए टर्म लेस देन 5 साल से कम की सजा नहीं होगी भाई, तो ये भी याद रखना। रिमूव अनलॉफुल इन्फॉर्मेशन, जो अनलॉफुल इन्फॉर्मेशन को रिमूव करना है वो एजेंसी की जिम्मेदारी है, जैसे कि आप ट्विटर को बोल रहे थे बैन करने के लिए, तो इन्होंने क्या कर दिया है कर्व कर दिया है आपके इन्फॉर्मेशन ने आपकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और बिलीफ पे, तो उसको आपको और कर्व कर दिया। अभी क्या कर रहे थे ये सब चीज़ को कर्व कर पा रहे थे कि किसी को भी कोई बोलता था उसे रोक देते थे, पर ये क्या कर रहे थे सोशल मीडिया को कर्व नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि इन्फ्लुएंस क्या हो रहा था कि सोशल मीडिया को कर्व कैसे करें, तो ये नए रूल लेके आए कि कर्व ऐसे करेंगे, ठीक है ना। तो आप खुद सोच सकते हो क्या चल रहा है। फिर रूल ऑफ द न्यू पब्लिक ऑफिसर और मतलब OTT और डिजिटल प्लेटफॉर्म के क्या है, फॉर OTT के क्या है, उन्हें सेल्फ आपको मतलब कि क्लासिफिकेशन करना है ऑफ कंटेंट का, कि मतलब ये आपका कंटेंट जो है कैसा है, सेल्फ करना है कि आप ये यूनिवर्सल है, सब कुछ देख सकते हैं, Under 7 कैटेगरी में आता है, Under 13 कैटेगरी में आता है, Under 16 में आता है कि एडल्ट में आता है, ये आपको सेलेक्ट करना है। और आपका पैटर्नल लॉक करना है कि प्लेटफॉर्म रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट द पैटर्नल लॉक कंटेंट क्लासीफाई अंदर आर्टिकल, मतलब कि Under 13+ में हायर रायबल एज, मतलब ये सब चीज़ क्या, आपको डिस्प्ले रेटिंग करनी है, डिस्प्ले रेटिंग है उसको डिस्प्ले करना है, ये सब चीज़।
फॉर पब्लिश ए न्यू और डिजिटल मीडिया, ठीक है ना, कुछ मतलब आपको करना है कि न्यूज़ ऑन डिजिटल मीडिया, जैसे डिजिटल मीडिया वाले होते हैं ना, मतलब पब्लिश कर देते हैं न्यूज़, उन्हें क्या करना है कि रिक्वायर टू मतलब कि ऑब्जर्व नॉर्म्स ऑन जर्नलिस्ट कंडक्ट जो है, मतलब कि जर्नलिस्ट कंडक्ट जो है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के, या फिर आपका केबल टेलीविजन नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट 1955 के हैं, उनको मतलब कि उनकी जो गाइडलाइंस हैं, ठीक है ना, तो उसको फॉलो करना है आपको एक तरीके से, जो आपकी डिजिटल मीडिया है पब्लिश करती है डिजिटल मीडिया, उसके लिए फिर आप उनके लिए भी क्या बनाया, ग्रीवेंस रिटेंशन मैकेनिज्म बनाया जाएगा उनके, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, बस इतना थोड़ा याद रखना है। सेल्फ रेगुलेशन बाय पब्लिशर, जो सेल्फ रेगुलेट करेगा, जो पब्लिशर करेगा उसकी न्यूज़ से कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो सेल्फ रेगुलेट करेगा, ये सब चीज़ें इसमें। वो ओवरसाइट मैकेनिज्म जो है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ने क्या किया है, सेल्फ फॉर्मेट ओवरसाइट मैकेनिज्म इफ देयर करेक्टिव सेल्फ रेगुलेशन बॉडी इंक्लूडिंग द कोड ऑफ प्रैक्टिस दैट एस्टैब्लिश ऑन द, तो ये एक इंटरनल डेवलपमेंट कमेटी बनाई जाएगी फॉर ग्रीवेंस हियरिंग के लिए, सब चीज़ के लिए, अगर वो अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं तो फिर आ जाएगा मिनिस्ट्री के हाथ में, ये अपने तरीके से देख सकते हैं। आपको कोड ऑफ एथिक्स और एड्रेस द ग्रीवेंस आपको मेंटेन करने हैं, रिसॉल्व करने हैं आपको 15 दिन के अंदर, थोड़ा ऐसे ही बस याद रखना, 15 15 दिन का बहुत जगह जिक्र है, ये याद रखना आपको। अब उस पे से कंटेंट हटाए जाएंगे जो कंटेंट आपको सेल्फ मतलब कि उनकी क्लासिफिकेशन नहीं है, तो ये कुछ रूल्स हैं, आप डायरेक्टली पीडीएफ में से पढ़ सकते हो, आपको समझ में आ जाएंगे, इतना कुछ नहीं है, नहीं पूछेगा। फिर आते हैं आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ये क्या है कि आपको पता ही है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या होता है, ये पर्सन क्या होता है, अगर वो उसने कुछ डेवलप किया है, कोई सिंबल बनाया, कोई रिसर्च किया है या कुछ भी किया है, तो वो IPR लेके उसे सेव कर सकता है। ऐसा कहाँ बोला जाता है, ऐसा बोला जाता है Article 27 ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, इसमें राइट्स हैं कि आप क्या कर सकते हो, विच प्रोवाइड्स फॉर द राइट ऑफ बेनिफिट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ मॉरल एंड मटीरियल इंटरेस्ट रेगुलेशन फ्रॉम द ऑथरशिप ऑफ साइंटिफिक, आपकी लिटरेसी और आपकी आर्टिस्टिक प्रोडक्शन जो आप कर रहे हो उस चीज़ के लिए, ऐसा किसमें है, ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन, उसका Article 27 ऐसे बोलता है। कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी राइट्स से रिकॉग्नाइजेशन हुई थी, जैसे पेरिस कन्वेंशन हुई थी, प्रोटेक्ट किया गया था इसमें इंडस्ट्रियल प्रोटेक्शन प्रॉपर्टीज़ को, पहले इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज़ को सबसे पहले 1883 में, फिर आपकी बेरन कन्वेंशन, आपकी बेरनी कन्वेंशन हुई थी, उसमें प्रोटेक्ट किया गया था आपकी लिटरेसी, जो आर्टिस्ट वर्कर है इनको, आर्टिस्ट जो वर्कर है इनको 1883 में, फिर बोथ बोथ द ट्रीटी एडमिनिस्ट्रेट बाय द WIPO, जो WIPO है अपनी, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन करी थी, तो ये कुछ याद रखना। और ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो डिवाइड है, टू थिंग में डिवाइड है, दो मेन चीज़ में डिवाइड है, एक तो कॉपीराइट वाली में डिवाइडेड है और एक आपका किस में डिवाइड है, आपका इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी में डिवाइडेड है। कॉपीराइट क्या हो गया कि आपने रिटन की कोई कॉपीराइट कर लिया, म्यूजिकल का, पेंटिंग का, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का, फिल्म का, तो ये कॉपीराइट नहीं कर सकते, प्रोटेक्ट बाय द कॉपीराइट फॉर द मिनिमम पीरियड ऑफ 50 ईयर आफ्टर द डेथ ऑफ ऑथर। चेतन भगत ने बुक लिखी ये वाली, आप उसकी कॉपीराइट कब तक नहीं बना सकते, जब तक वो मर नहीं जाते और उसके बाद 50 साल नहीं हो जाते तब तक आप उसकी छाप नहीं सकते, अब इंतजार करो फिर, ठीक है ना। तो मिनिमम पीरियड ऑफ 50 ईयर आफ्टर द डेथ ऑफ ऑथर। अब इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी क्या होती है कि डिवाइडेड, ये भी दो भाग में डिवाइडेड की गई है, इतना मत याद रखना, उसमें क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ डिग्निटी ऑफ साइन, जैसे ट्रेडमार्क हो गया, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स हो गया, इन सब चीज़ों को GI जो टैग मिलते हैं, इन सब चीज़ों को, मतलब ये कब, ये भी उसमें आएंगे इंडस्ट्रियल वाले में, ठीक है ना। उसके बाद तो ये क्या प्रोटेक्शन करते हैं आपके, साइमल्टेनियसली इंश्योर द मतलब फेयर कॉम्पिटिशन क्रिएट रहे, तो इसलिए। और दूसरे होते हैं इंडस्ट्रियल डिज़ाइन एंड ट्रेड सीक्रेट जो होते हैं, जो इंडस्ट्रियल डिज़ाइन करते हैं, मतलब कोई चीज़ बनाई उन्होंने, इनोवेटिव कोई चीज़ बनाई, तो उस चीज़ के लिए होता है टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, तो इसमें भी दो तरह के होते हैं। फिर आता है क्यों ज़रूरत पड़ती है इनको IPR की, इंक्रेज इनोवेशन। भाई मैंने कोई चीज़ बनाई, किसी ने चुरा के फिर वैसी बना दी, तो मेरा क्या मॉरल डाउन हो जाता है यार, मैं क्यों बनाऊँ जब उसने चोरी हो जाती है, अगर मेरी स्पेशल रहेगी तो मैं डेवलप करूँगा। एलान मस्क ने गाड़ी बनाई कि भाई ये एक नंबर गाड़ी है इलेक्ट्रिक की, ठीक है, उसे चोरी करके इंडिया वाला भी बना दे, आपके DC मोटर भी डिज़ाइन कर दे वैसी गाड़ी। अब एलान मस्क ने गाड़ी बनाई, उसने IPR ले लिया, उसे मिली ना कि मैं अच्छी गाड़ी बनाई तो मुझे ज़्यादा मिलेगी, अब उसे चोरी करके DC डिजाइनर ने डेवलप कर दी वैसी गाड़ी, तो उससे क्या होगा, इंक्रेज नहीं मिलेगी उसकी इनोवेटिव में, तो उससे क्या होगा, इसके मॉरल डाउन हो जाएगा उसका, कि जब मैं बनाई उसने चोरी कर ली तो क्या फ़ायदा मुझे ऐसे इनोवेटिव चीज़ों को डेवलप करने के लिए। उसके बाद आता है आपका इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ तो बढ़ेगी, जैसे एलन मस्क ने गाड़ी बनाई थी, अब कहाँ का रहने वाला, वहाँ का रहने वाला, उस कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी, अब उस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगा वो वाला। फिर सेफगार्ड क्या होता है, सेफगार्ड मिलता है राइट, जो क्रिएटर होता है उसे कुछ सेफगार्ड प्रोवाइड करते हैं, इसलिए इंश्योर करते हैं कि ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस चलता रहे, फिर वही हो जाएगी ना, उसने चोरी उसकी की, उसने चोरी उसकी की, उसने चोरी उसकी की, फिर सारे में बीरबल की खिचड़ी बन जाएगी, तो बस क्या ईजी रहे आपके इंडिया में, फैसिलिटी मिले ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए, मतलब कि एक जॉइंट वेंचर हो, आपको ट्रांसफर टेक्नोलॉजी करनी है तो प्रॉपर चैनल तरीके से हो वो फैसिलिटी।
अब इंडिया और आईपीआर से कुछ संबंध क्या है इंडिया और आईपीआर की? इंडिया इज ए मेंबर ऑफ डब्ल्यूटीओ का मेंबर है, और कमेटी जो एग्रीमेंट की उसकी ट्रिप्स जो कमेटी है, ट्रेड रिलेटेड एक्सपर्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो ट्रिप्स एग्रीमेंट है उसमें भी इंडिया पार्ट है। इंडिया ऑल्सो मेंबर ऑफ डब्ल्यूआईपीओ। तो तीन चीज़ मिल गई आपको, डब्ल्यूटीओ का मेंबर है, ट्रिप्स में भी उसकी कमेटी में एग्रीमेंट साइन किया हुआ है, और डब्ल्यूआईपीओ का भी इंडिया मेंबर है। तो इन सब चीज़ों का मेंबर होने के बाद इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रमोट करे किस चीज़ को, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को थ्रू आउट द वर्ल्ड, उसकी भी जिम्मेदारी बनती है। अब इंडिया इज ऑल्सो मेंबर ऑफ फॉलोइंग इंपॉर्टेंट डब्ल्यूपीआई एडमिनिस्ट्रेशन इंटरनेशनल ट्रीटी ऑफ कन्वेंशन ऑफ रिलेटेड टू आईपीआर, जो डब्ल्यूपीआई की ट्रीटी है उसका भी, मतलब जो ट्रीटी साइन हुई है कन्वेंशन ऑफ रिलेटेड टू आईपीआर उसमें भी इंडिया उसका भी मेंबर है। तो इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रपोज करे कि पैटर्न कैसे रखने हैं, पेरिस कन्वेंशन ऑफ द प्रॉपर्टी इंडस्ट्रियल, ये सब चीज़ें क्या है, बैरन ज्योति मतलब आपको कन्वेंशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ लिटरेसी, पैटर्न आपको कॉपरेशन ट्रीटी, तो ये कुछ ट्रीटी है, नायोबल ट्रीटी ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ ओलंपिक सिंबल, ओलंपिक सिंबल जो उसको भी नायोबी में ट्रीटी हुई थी, क्योंकि ओलंपिक होने वाले हैं तो आपको याद रखना है थोड़ा, 2021 में होने वाले हैं, 2022 में होंगे ओलंपिक, कोई बता सकता है? ओलंपिक तो 2020 में होने थे, टल गए कुछ पीछे। फिर आपका आपका मार्केस ट्रीटी है, ये कुछ ट्रीटी है पब्लिक राइट्स से रिलेटेड। तो हमने देखते हुए जब हमने साइन कर ली, इतनी सारी चीज़ें साइन कर ली, तो इंडिया क्या बोलता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। कल मैंने आपको पढ़ाया था ना, एक आर्टिकल आया था कि हम क्या पब्लिश ज़्यादा करना है साइंस जर्नल में, पर जो क्वालिटी, हाई क्वालिटी ऑफ थिंकिंग रहती है वो 0.7% है। हमारे पैटर्न कुछ 2019 में हमने 2000 पैटर्न किए हैं, इन कंपेयर टू चाइना ने 58,000 किए नियर अबाउट, और अमेरिका ने 57,000 किए हैं। तो हमारे आईपीआर कम है। हमने क्या बताया था, हम इतनी लेट पॉलिसी लेके आए हैं, अपनी आईपीआर की पॉलिसी 2016 में लेके आए हैं। तो ये क्या करती है, कॉल करती है क्रिएटिव इंडिया, इनोवेटिव इंडिया की तरफ बढ़ावा मिलती है। मई 2016 में हम ये डॉक्यूमेंट लेके आए हैं, ठीक है ना, आईपीआर को मतलब ट्रैकिंग करने के लिए, कोई मतलब कि इंटरलीकेज ना हो, एम टू क्रिएट एक्सप्लॉइट ना हो मतलब चीज़ों का, तो सब चीज़ों का आईपीआर टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म आप पढ़ लेना, ठीक है। और ये डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रमोशन मतलब डिप, अब इसका नाम चेंज हो गया, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर आता है, ये नोडल डिपार्टमेंट है इन सब चीज़ों को देखने के लिए। सेल बनाया हमने आईपीआर प्रमोशन एंड मैनेजमेंट, सीपैम बनाया, सेटअप किया है हमने डिप के अंदर ही, डिप के साथ मिलकर। तो डिप नाम नहीं है इसका, अब दूसरा नाम है, आप ये ग्रुप में जाके कमेंट में बताना, ठीक है ना। फिर नेशनल आईपीआर पॉलिसी है, फिर हमने क्या किया कि क्यों ये कंप्लेन विद द डब्ल्यूटीओ एग्रीमेंट जो ट्रिप्स साइन किया था उसको देखते हमने बनाई है। ऑब्जेक्टिव क्या होनी चाहिए, आईपीआर की अवेयरनेस बढ़ानी है, जनरेशन आईपीआर को बढ़ाना है, लीगल एंड लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क प्रोवाइड करना है, एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट देना है, कमर्शियलाइजेशन आईपीआर को करना है, इन्फोर्स करना है, को एडजस्टेशन को, ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट को स्ट्रेंथिंग करना है। आपने कोई चीज़ इनोवेटिव, सुलभ शौचालय ने कोई ऐसा शौचालय बनाया इनोवेटिव शौचालय जिसमें पानी की जरूरत नहीं पड़ती, बायोडिग्रेडेबल ये और खाद ऑटोमेटिक कुछ हो जाता है, ऐसा कुछ बनाया वो फिर आईपीआर ले लेगा, तो एक ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर काम कैपिटल के। फिर आपको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना होगा तो उस कंट्री से आप कुछ चीज़ पैसे लोगे तो आपको इकोनॉमी डेवलप भी होगा। तो ये सब चीज़ें करेक्टिंग होती हैं एक साथ से, आपने किसी चीज़ को बना के ले लिया। अब अचीवमेंट क्या होता है कि इम्प्रूव करता है आपके GI रैंकिंग को, मतलब ग्लोबल इनोवेटिव रैंकिंग को। अगर आपके आईपीआर अच्छे से हैं तो आपके क्या होते हैं, मतलब इनोवेटिव रैंकिंग को, जितने आईपीआर होंगे आपकी कंट्री के तो इनोवेटिव थिंकिंग होगी ना, कि इंडिया के इतने आईपीआर रजिस्टर्ड हो रहे हैं तो इनोवेटिव थिंकिंग बढ़ेगी। और हमारी इंप्रूव हुई है, देखो 2015 में 81 रैंक पे थे, और हम 2016 में हम क्या लेके आए, पॉलिसी लेके आए, 2016 में पॉलिसी लेके आए, डायरेक्ट 52 रैंक पे आ गए 2019 में। स्ट्रेंथिंग करता है आपके इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म को, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें आईपीआर से रिलेटेड है कि इंक्रीज करता है, पैटर्न आपके बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे। देखो 8-7% ही बढ़ गए आपके 8 मंथ में, जैसी पॉलिसी आई तो उसके एकदम बढ़ने स्टार्ट हो गए। देखो 28% जो ट्रेडमार्क लिए, फिर आईपी प्रोसेसर री इंजीनियरिंग, क्रिएटिंग आईपीआर अवेयरनेस स्टार्ट हो गई, फिर आपकी ये टेक्नोलॉजी इनोवेशन सपोर्ट सेंटर टिक्स बनने स्टार्ट हो गए। अब कुछ इशू भी हैं, मतलब कि आईपीआर का इंडियन पैटर्न एक्ट 1970 अमेंडमेंट 2005 में किया गया, डज नॉट अलाउ द पैटर्न टू बी ग्रांटेड इन्वेंशन, सीधा आप पढ़ लेना, ये कुछ भी नहीं है। और ये इशू है मैंने मेंस के लिए ऐड किए हैं क्योंकि आप पढ़ सको, वे फॉरवर्ड भी मैंने मेंस के लिए ऐड किया है क्योंकि आईपीआर का क्वेश्चन जरूर आता है आपका पेपर नंबर 3 में, 4 में, ठीक है ना, तो कहीं भी आ जाता है ये वाला। तो ये सारे हमारे, हमने आज का जो हिंदू था ख़त्म कर लिया। और आप प्लीज़ एक बार इस PDF के गो थ्रू जरूर जाया करिए, क्योंकि ये सब चीज़ें एक्सट्रैक्ट हिंदू में जो न्यूज़ आई है उसी से मैं लेके आया हूँ, और कहीं से तब के नहीं लेके आया। तो इतना ही है, मेंस के लिए भी था, प्री के लिए भी था, रिकॉर्डिंग यहीं रोक